हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम हाउस एजेंट। अभी जब ये हम लोग शिपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि हमें सीएचए की जरूरत पड़ती है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सीएचए बनता कैसे है, सीएचए की कमाई क्या है, क्या कैरियर में स्कोप है भी या नहीं है आगे। उसके अलावा अगर जो सीएचए बनता है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब सीएचए की जो पूरी डिटेल होती है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा जी कार्ड, एच कार्ड होल्डर, एफ कार्ड होल्डर, जैसे ये सीएचए जी कार्ड होल्डर है, ये वाला सीएचए एफ कार्ड होल्डर है, तो इन सब का डिफरेंस क्या है, कब कहां पे क्या यूज होता है, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की। तो जिसके लिए आपको कस्टम हाउस एजेंट से रिलेटेड काफी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर और देखते हैं सीएचए का पूरा काम। तो सबसे पहले मैं आपको सीएचए का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है सीबी ऑब्लिक सीएचए, मतलब सीबी मतलब कस्टम ब्रोकर या उसे सीएचए, इसको बहुत से नाम से लोगों जो कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं, कोई एजेंट बोलता है, कोई ब्रोकर बोलता है, सबका मतलब वही है कस्टम हाउस एजेंट, ठीक है। अब इसका काम मेन क्या है, इसका बहुत से काम होते हैं पर मेनली काम यहाँ पर यही है। अब ये सपोज कीजिए कोई एक्सपोर्टर है जो इंडिया में है, इसको ये शिपमेंट जो है जर्मनी यहाँ पर भेजना है। अब इसको भेजने के लिए ये अपने फैक्ट्री से इसको डिस्पैच कर दिया इसकी हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर अब एक्सपोर्टर के पास इतना टाइम नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है आपको एक हायर करना पड़ेगा सीएचए, तो वो जो सीएचए है वो इनके बिहाफ पर, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उनके बिहाफ पर वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेगा। कस्टम ऑफिसर से अब एक्सपोर्टर जाएगा मिलेगा, इससे अच्छा क्या है इसको एक एजेंट बना दो जिसको ऑथराइज कर दो कि वही कस्टम का क्लियरेंस करा सकता है, एक्सपोर्टर चाह के भी खुद अपना एम्प्लॉय नहीं भेज सकता। उसके बाद यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज करने के बाद यहाँ पे लेन देन जो भी होगा ऑफिसर से डायरेक्टली होता है, कस्टम हाउस एजेंट से, वो इनके थ्रू ही होता है। कभी कभी एक्सपोर्टर को बुलाना पड़ता है लेकिन कोशिश करते हैं सीएचए सारा काम खुद से कर देता है, मेन रीजन यही है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ वहां होने के बाद शिपमेंट वहां से डिस्पैच होकर चला जाता है। सेम कंडीशन जब शिपमेंट सपोज ये जर्मनी से रिवर्स हो रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो जब वो इंडिया के कोई भी पोर्ट पे आता है, बाई एयर आए बाई सी आए, वहां पे भी जब वहां पर आ जाएगा तो वहां पे जो कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटी, कोई भी शिपमेंट आएगा उसमें कस्टम क्लियरेंस होगा, तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो यहाँ पे सीएचए करेगा, किसके बिहाफ पर, यहाँ पे इंपोर्टर के बिहाफ पर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये जो एक्सपोर्टर है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो चाहे अपने एक एम्प्लॉय को इसी काम में लगा दे, क्योंकि उसके पास तो इतने सारे एम्प्लॉय है, उसको लगा दे कि भाई तुम ही करो, हम बाहर ही से क्यों कराएं, उसको भी तो पेमेंट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कस्टम इंडियन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सीबी यानी कि जो सीएचए होना चाहिए वो किसी भी कंपनी का, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी, अब सपोज करो ये इसका एम्प्लॉय होता तो इसके प्रेशर में काम करेगा, गलत काम भी करेगा, पर यहाँ पर क्या है वो एक एजेंट है, उसको लाइसेंस दिया गया, आसानी से लाइसेंस भी नहीं मिलता, तो वो डर के करेगा। अब उसको दोनों के बीच में बैलेंस करना, यानी एक्सपोर्टर को भी समझना है और कस्टम ऑफिसर को भी समझना है, मतलब दोनों के बीच का बैलेंस करना सबसे टफ काम होता है। तो ये दोनों को ये दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे तरफ हैं, भाई हम तुम्हारे तरफ हैं, तो इस तरीके से जो कस्टम हाउस एजेंट को अपना लाइसेंस भी बचाना है और काम भी करना है। तो इस तरीके से जो सीएचए का वर्क मेन वर्क है, कस्टम की जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करना है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा, अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको मेन काम तो उसका बता दिया जो सब कोई जानते हैं, उसके अलावा कुछ उसके जो मेजर काम है वो भी ये है। सबसे पहले चीज तो कस्टम लॉ। अब जो जैसे कि हर आप देखोगे एडवोकेट होते हैं वहां पे, आप हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में देखोगे तो वहां पे क्या होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जिनको उसके लॉ की पूरी जानकारी होती है, वो लाइसेंस होल्डर भी होते हैं। उसी तरीके से ये भी इसकी पढ़ाई करते हैं कस्टम हाउस एजेंट जो होते हैं कि किस तरीके से क्लियरेंस है, क्या लॉ कहता है, लॉ टाइम टाइम पे बदलता रहता है, तो ये लोग अपडेट रहते हैं क्योंकि अमेंडमेंट तो होता ही रहता है, तो ये लोग उसके ऊपर अपडेट भी रहते हैं। तो ये समझ लीजिए बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के होते हैं, इनको कस्टम लॉ की मतलब फिंगर्स पे पूरी जानकारी होती है क्योंकि इनका सुबह शाम मेन काम ही वही है, तो कस्टम लॉ में एक्सपर्ट होना, पढ़ के बने हैं भाई, पेपर देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं एचएस कोड और टैरिफ। अब देखिए कस्टम लॉ के बाद आता है एचएस कोड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनली नेशनली जाना जाता है तो वो अपने एचएस कोड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कि इस एचएस कोड के अंडर में ये प्रोडक्ट आएंगे, ये इस एचएस कोड के अंदर में ये प्रोडक्ट आएगा। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम कोई भी एचएस कोड यूज करते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप गलत एचएस कोड यूज करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे चल के एक्सपोर्ट करने में, हमेशा सही यूज करिए। पर ये जो होता है सीएचए,
उसको बहुत अच्छी इसकी नॉलेज होती है। वो क्या देखता है कि क्या कोई एक प्रोडक्ट है, मैं उसके दो एचएसएन कोड हो सकते हैं, एक में क्या हो सकता है ड्यूटी ज्यादा लग रही है, एक में ड्यूटी हो सकता है कम लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देख सकता है कि क्या एग्जिमिशन है, वो सारी चीज यहाँ पर देख सकता है। तो सीएचए का एचएस कोड और टैरिफ और एनेक्शन जितने भी आता है, ये सारी चीज के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। दूसरा जो मैंने आपको बताई दिया है क्लियरेंस, मेन तो इनका यही काम है जो क्लियरेंस कराना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है पीआर, यानी कि दोनों पार्टी यानी कस्टम हाउस एजेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं और जो एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं जिनके बिहाफ पे कर रहे, दोनों की तरफ अच्छा सा अपना जो अपना क्रेडिट बना के रखना, दोनों उसके ऊपर भरोसा करें उस तरीके से। दूसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कुछ हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे क्लियरेंस प्रोसेस के अलावा अगर किसी चीज में आपको ड्यूटी में छूट लेना है, आप देख रहे हो कितना परसेंट ड्यूटी लगे, कितना परसेंट उसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, एनेक्शन ले रहे हो, आईपीसीजी ले रहे हो, तो इन सब के बारे में भी इनको बहुत ही डीपली नॉलेज होती है। ये एक बंदा भी रखते हैं उसके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो मतलब अगर आप कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड सारे वर्क ही अगर उसके अंदर जितना भी हो रहा है सब इनके अंडर में आप देख सकते हो आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया ड्यूटी को कैलकुलेट करना। अब ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी में छूट चाहिए, लोगों को छूट चाहिए, तो उसको पहले जोड़ना पड़ेगा तभी तो छूट होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग एचएस कोड के अकॉर्डिंग ड्यूटी डिसाइड हुई है। अब नए नए जो सर्कुलर आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसको घुमाते हैं। आपने देखा होगा जो एडवोकेट होते हैं वो कैसे लॉ को जानते हैं, सारी उसकी ताला जानते हैं, सारी उसकी चाबी जानते हैं, बस उसी को आप ऐसे समझ के चलो इनका भी एक तरीके के ये जो है एडवोकेट ही है। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया, ओके चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलिजिबल, योग्यता। अगर आप सीएचए बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या आपकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तब आप उस योग्य होगे। पहली चीज जैसे कि आपको कोई भी आप एग्जामिनेशन देना है तो आपके लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप उस पेपर देने के लिए एलिजिबल होगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है। सबसे पहले आता है ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप सीएचए बनने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ग्रेजुएट करना मस्ट है। आपको ग्रेजुएशन नहीं है तो उसको पहले पूरा करिए, उसके बाद इसके बारे में सोचिए। दूसरा आता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में यानी एमबीए सीए आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री और भी चीजें होती हैं जैसे कि कोई ए रैंक ऑफिसर है वो रिटायर हुआ, उसको भी कुछ कंडीशन में वहां पर ले सकता है। पर सपोज करिए अब जो बंदा है उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री तो है पर मास्टर डिग्री नहीं, ना तो क्या वो नहीं बन सकता? उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग और भी तरीका दिया गया है कि वो किसी तरीके से सीएचए बन सके। तो उसके बाद आता है कि वो डिप्लोमा कर ले, यानी कि देखिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कुछ डिप्लोमा कराती है वो आप करके भी एलिजिबल हो सकते हो। कि आप एमबीए नहीं कर पाए हो, आप मास्टर डिग्री नहीं कर पाए, तो आप डिप्लोमा करके भी आप ये जो पेपर है सिविल आर का वो दे सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। तो उसके बाद आता है अगर वो भी नहीं है तो आप क्या करिए कि जी कार्ड होल्डर बन जाइए। जी कार्ड क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो जी कार्ड होल्डर बन जाइए। उसके साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, जी कार्ड भी है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसा है कोई होगा जो एफ कार्ड होता है, अभी जी कार्ड एफ कार्ड आपको समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट बार मैं अभी इसको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। तो अभी आप इतना समझो, एफ कार्ड को क्या करे कोई कंपनी है वो क्या करे कि किसी वाला बंदे ने एफ कार्ड उसके पास है तो वो क्या करे, कोई जो एफ कार्ड उसको हायर कर ले और उसको अपने कंपनी में क्या करे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह बना दे, एम्प्लॉय बना दे, तो उससे क्या होगा, उससे एक एग्रीमेंट कर दे, उसके नाम पे लाइसेंस लेके आप जो है वो काम जो है सीएचए का काम कर सकते हो। उससे एग्रीमेंट वगैरह ले ले, उसको सैलरी दे, बाकी जो अपना जो है जैसे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है। मतलब ये 3 कंडीशन है आप देख सकते हो अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है। अब सपोज कीजिए ये दोनों आपका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, उसके नीचे आता है 5 लाख का जो आपके पास जो है जमीन जायदाद जैसे कहते हैं, अगर वो आपको लेना पड़ेगा। अगर जो भी मतलब जो अप्लाई कर रहा है कि मुझे सीएचए बनना है, सीएचए बनना है, तो उसके पास 5 लाख का उसके नाम पे जमीन जायदाद होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके अलावा जो बैंक है वो अटेस्ट करेगी कि हाँ फला फला बंदे के पास 5 लाख के जमीन जायदाद है, तो वो अटेस्ट कर देती है बैंक, वो तरीका होता है दूसरा। तो अगर आपके पास है तो अटेस्ट आप करा लो तो आपका क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट आता है किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं, अगर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस लगा है, कोई भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो और आप नहीं दे पाओगे।
नेक्स्ट आता है, अगर ये सारा चीज आपके पास हो गया जितना चीज मैंने बताया है, तब आपको सिविलियर एग्जाम दे सकते हो। सिविलियर एग्जाम के बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डीपी से जाऊंगा। तो मतलब ये जो एक पेपर है आप दोगे, अगर पेपर क्वालिफाई करोगे तो आप जो है सीएचए बनोगे। अब कैसे करना है, क्या सिविलियर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अगर एलिजिबल से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो सिविलियर एग्जाम है वो किस टाइप का होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दो फेज में होता है, एमसीक्यू और इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या है, ये कंडक्ट कौन कराता है, तो NACIN है, ये इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब एमसीक्यू यानी कि आपको जो एलिजिबल है उसको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब वो क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद उसका होगा इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड अगर जो क्लियर कर लेता है, जो इंटरव्यू क्लियर राउंड क्लियर कर लेगा, उसे मिल जाएगा एफ कार्ड होल्डर, जिसे कह दें, चाहे उसे सीबीएन कस्टम ब्रोकर कह दें, चाहे उसे सीएचए कह दें। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो एक सीएचए बन गया। और सपोज करिए वो इंटरव्यू में फेल हो गया या रिटेन में फेल हो गया, तो क्या होगा उस कंडीशन में, वो हर साल इसका पेपर होता है, जो सिविलियर का पेपर है हर साल होता है। तो वो क्या कर सकता है, उसको दोबारा भर सकता है, लेकिन 6 बार उसको लिमिट है, अगर 6 बार फेल हो गया तो उसके बाद वो नहीं भर सकता। देखिए यहां पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगी, ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात, ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको बनना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, तो लोग सोचते हैं मैंने एमबीए कर लूंगा या कुछ भी ऐसा कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा उसके बाद ग्रेजुएशन कर लूंगा, पेपर क्वालिफाई करके सीएचए बन जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो जमीनी सच्चाई है वो थोड़ा सा कुछ अलग ही कहती है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग क्या करते हो, जो एमबीए वगैरह पढ़ लेके आते हैं वो क्वालिफाई तो कर लेते हैं, पर इंटरव्यू राउंड में उन्हें छाट दिया जाता है। क्यों छाट दिया जाता है, वो देखिए ये एक सीढ़ी है। अब वो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कस्टम हाउस एजेंट को बहुत कुछ उन्हें देखना रहता है। अब जी कार्ड होल्डर अगर वो बना हुआ है, उसको एक्सपीरियंस, उसके साथ पहले से वो डील कर रहे हैं, तो इंटरव्यू राउंड में देखिए उसका लिंक तो बन जाएगा ना। अब सोचिए कोई बंदा काम पहले से कर रहा है, ठीक है, अब उसको उसी लाइन में काम कर रहा है, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से सेटिंग तो लगी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज उसको वो जान रहा है तो वो उसको ही पहली प्रियोरिटी देते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप जो सीढ़ी है एच कार्ड जी कार्ड, उसके बाद एफ कार्ड, इस पे जाइए सिविलियर एग्जाम पे। अभी चलिए मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, पहले जी कार्ड एफ कार्ड क्या है, तो इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगर यहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजोल्व करने के लिए। अब इस स्लाइड में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी में लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो देखिए जो पेपर क्वालिफाई कर लिया, मैंने सारा चीज बता दी कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, शॉर्टकट में सीबी सीएचए सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये जो सिविलियर एग्जाम था वो क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद यानी कि वो कस्टम हाउस एजेंट बन गया। अब बनने के बाद उसको एफ कार्ड दिया जाएगा, ये एक समझ लो आईडी, एक तरह की आईडी है। अब क्या होता है, जैसे कस्टम स्टेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे कस्टम नोटिफाइड एरिया होता है, तो उस एरिया में हर कोई नहीं जा सकता है, वहां ऑफिसर्स बैठते हैं, वहां पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन जिनके पास ये कार्ड होते हैं वो उस कंडीशन में एंट्री कर सकते हैं, और जो क्लियरेंस का जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी करा के उसे क्लियरेंस करा सकते हैं। तो मेन रीजन क्या है, ये कार्ड होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी, इसलिए ये समझ के चलिए। एक क्या है, आई कार्ड भी है, ठीक है। तो एफ कार्ड किसे मिलेगा, एफ कार्ड वो मिलेगा जो 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 सिविलियर एग्जाम को क्लियर कर लिया है। अब इसकी वैलिडिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है ये लाइफ टाइम होती है, यानी एक बार आपने सिविलियर लगा दिया, अब आपको बार बार उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। बट किस कंडीशन में, कुछ लोगों का डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट क्यों हो जाता है, तो वो कुछ कर ही नहीं रहे, साल भर से उन्होंने एक भी कस्टम क्लियरेंस नहीं कराया, तो जो उनका लाइसेंस है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। फिर उसको चाहे तो वो रिन्यू करा के उसको फिर से करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम उसमें थोड़ा बहुत जो ट्रांजेक्शन है वो होता रहे। तो ये हो गया, सबसे ऊपर आ गया एफ कार्ड, ठीक उसके नीचे होता है जी कार्ड। अब जी कार्ड क्या होता है, देखिए इस जैसे कि मैंने सिविलियर एग्जाम बताया, उसी तरीके से एक जी कैटेगरी का एग्जाम भी होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जी कार्ड होल्डर सबसे पहली चीज उसको 10+2 और प्लस एच कार्ड, यानी ये जो नीचे एच कार्ड होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा इस पेपर को देने के लिए। और ये जो आपने सपोज कीजिए आप एलिजिबल हो, आपके पास एच कार्ड भी है, आपने क्या किया,
ये पेपर दिया, आप क्वालिफाई कर ले तो आपको जी कार्ड मिल जाएगा, तो आप जी कार्ड होल्डर कहलाओगे। अब इसके हेल्प से आप अंदर भी घुस सकते हो कस्टम एरिया में, और ये जो वैलिड होता है 5 ईयर के लिए होता है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से उसका पेपर देना पड़ेगा, इसलिए आपको जी कार्ड से कोशिश करिए अपने आप को एफ कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जी कार्ड की कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, वो ऑथोराइज हो जाएगा, आइस गेट पे भी ऑथोराइज हो जाएगा, उसकी आईडी खुद की बन जाएगी। उसके अलावा वो जो साइन वगैरह करना है वो उसके बिहाफ पर, जो एफ कार्ड के, सोचिए एफ कार्ड के अंडर में जी कार्ड काम कर रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये किसी के अंडर में काम कर रहा है, एफ कार्ड के अंडर में जी कार्ड कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप सपोज करिए जी कार्ड हो गया, 2 साल उसने काम कर लिया, 2 साल करने के बाद वो सिविल आर एग्जाम देगा, तो वो क्या बन जाएगा, एफ कार्ड उस होल्डर बन जाएगा, यानी कि अब वो खुद एक कस्टम हाउस एजेंट बन जाएगा। अब ये हो गया जी कार्ड, एफ कार्ड में आपको समझ में आ गया होगा। अब एच कार्ड की बात करते हैं। देखिए एच कार्ड में सबसे पहली चीज, कोई पेपर वेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी, आप एफ कार्ड के पास जाइए, कोई भी एफ कार्ड के पास, आप 10+2 होना चाहिए। आप कर दीजिए वहां पे, क्या करिए एज ए एम्प्लॉय से ज्वाइन कर लीजिए, या आपको एजेंट बना देगा, या अपने अंदर में रख लेगा, किसी भी बेस पे कैसे भी रखता है वो रख लेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा, वो एच कार्ड इशू करवा देगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप एच कार्ड ले लोगे तो आप कस्टम एरिया में जा सकते हो, क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कर सकते हो। जैसे ही आपके पास एच कार्ड आ गया, तो समझिए अब यहाँ से आप समझिए, एच कार्ड सबसे पहले आया, एच कार्ड आने के बाद आपने क्या किया, आपको जो है 2 साल आपको जैसे एक्सपीरियंस हुआ, आपने सिविल एयर का एग्जाम दिया, सिविल एयर का एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, आप एफ कार्ड हो गया। तो ये जो प्रोसेस है एच, यही लोग ज्यादातर कामयाब भी होते हैं और इनको अच्छी नॉलेज भी होती है, और यही लोग इंटरव्यू राउंड भी निकालते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।